हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम आकाश शंकर जी की बताई हुई गेम है। उन्होंने काफ़ी समय पहले मुझसे इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था और ये गेम थी 1974 में हुए यूएसएसआर चैम्पियनशिप की, जो खेली गई थी राफेल विग्नियन और विक्टर कुप्रेचिक के बीच में। फ्रेंड्स, क्या कभी कोई आपने इस तरह की गेम खेली है कि जिसमें आपका कोई एक पीस आपने ओपोनेंट के पॉन के ऊपर रखा हुआ है और आप उसे बचाने की बजाय अपने अटैक को कंटिन्यू रखें? मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, ये सब आपके चेस कैरियर में एक या दो बार तो ज़रूर हुआ ही होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके लगभग सभी पीसेज ओपोनेंट के पॉन पर या टारगेट पर रखे हों, तो आप उस गेम को किस तरह से खेलेंगे? फ्रेंड्स, अगर कोई इस क्वेश्चन को मुझसे पूछेगा तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब होगा कि मैं उस गेम को रिज़ाइन कर दूंगा। लेकिन जब मैंने राफेल विग्नियन की ये गेम देखी तो मुझे लगा कि आखिर इनका दिमाग काम किस तरह से करता है, और आप भी इस गेम को एक बार देखें और ज़रा समझने की कोशिश करें कि आखिर विग्नियन ने इस गेम की प्लानिंग किस तरह से की होगी। यहाँ गेम की शुरुआत की राफेल विग्नियन ने d4 के साथ, तो विक्टर ने यहाँ किया नाइट f6, तो बिशप b5। वाइट ने यहाँ ट्रम्प वॉस के अटैक को चुना, सीधा नाइट पर अटैक बनाया और यहाँ थ्रेट दी एफ फाइल में पॉन्स को डबल करने के लिए। ब्लैक ने यहाँ किया c5, सेंटर के पॉन पर अटैक बनाया, तो वाइट ने यहाँ किया d5, अपने पॉन को आगे पुश कर दिया, तो क्वीन b6। फ्रेंड्स, यहाँ विक्टर ने भी गेम की शुरुआत से ही अटैक को कंटिन्यू किया। उन्होंने यहाँ पहले इस b2 पॉन पर अटैक बनाया, तो इस b2 पॉन का डिफेंस वाइट आखिर कैसे करे? या तो वो अपनी क्वीन को c1 स्क्वायर पर ले जाए या फिर अपने बिशप को वापस ले आए, और दोनों ही सूरतों में वाइट को यहाँ नुकसान होने वाला है। तो राफेल ने यहाँ किया नाइट c3 और अपने b2 पॉन को नहीं बचाया। और क्या यहाँ ब्लैक को इस b2 पॉन को लेना चाहिए? फ्रेंड्स, इस पॉन को आप अक्सर पॉइजनस पॉन के रूप में जानते होंगे और ये पॉन बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, लेकिन विक्टर ने यहाँ इस पॉन को लिया क्विंटेक्स b2। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉन को लेने पर ब्लैक को कोई इमीडिएट थ्रेट भी नहीं है, क्योंकि वाइट को सबसे पहले अपने इस नाइट को बचाना होगा। तो उसके लिए यहाँ विग्नियन ने किया बिशप d2। और फ्रेंड्स, अब अगर ब्लैक अपनी इस क्वीन को इस b2 स्क्वायर से नहीं हटाता है तो ये मूव उसके लिए काफ़ी डेडली होगा। सपोज़ अगर यहाँ ब्लैक करे d6 या फिर कुछ और मूव चले, तो उसके बाद वाइट का अगला मूव होगा रुक b1, क्वीन पर अटैक होगा और इस क्वीन के जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ a3 स्क्वायर ही होगा। लेकिन नाइट b5, क्वीन पर अटैक और अगले मूव में एक चेक देकर इस क्वीन को लेने की तैयारी, और अब ये क्वीन वापस इस a5 स्क्वायर पर भी तो नहीं आ सकती, तो ब्लैक को यहाँ करना होगा सपोज क्वीन a4, तो उसके बाद नाइट c7 चेक, देन किंग d8, नाइट टेक्स 8, नाइट टेक्स d5। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक के लिए इमीडिएट रिकमेंडेशन है कि उसे यहाँ अपनी क्वीन को वापस b6 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए, जो कि यहाँ विक्टर ने किया भी था। तो वाइट ने यहाँ किया e4 और उनका इरादा अपने इस ई पॉन को आगे पुश करने का है। और फ्रेंड्स, जिस कारण से यहाँ वाइट ने अपने उस b2 पॉन को सेक्रीफाइस किया था वो यही था कि उसे यहाँ काफ़ी ज़बरदस्त स्पेस का एडवांटेज होने वाला है। ब्लैक यहाँ अब अपनी गेम में सिर्फ डिफेंसिव ही खेलता रहेगा, उसे सबसे पहले यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है अपने पीसेस को डेवलप करने में, क्योंकि वाइट के ये दो पॉन काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो ब्लैक ने यहाँ किया d6 ताकि वाइट इस ई पॉन को आगे पुश ना कर सके, और अब अगर वाइट को इस e5 स्क्वायर पर कुछ प्रेशर को बनाए रखना है तो उसे यहाँ अपने इस f पॉन को आगे पुश करना होगा, जो कि यहाँ विग्नियन ने किया भी f4, और उनका इरादा फिर वही अपने इस ई पॉन को आगे पुश करने का ही है। तो इसके लिए ब्लैक क्या कर सकता है? ब्लैक यहाँ अपने नाइट को d7 स्क्वायर पर लेकर इस e5 स्क्वायर का डिफेंस कर सकता है, लेकिन वाइट भी अपने नाइट को f3 स्क्वायर पर डेवलप करके e5 स्क्वायर पर और जोर को बढ़ा सकता है। तो ब्लैक के लिए यहाँ क्या मूव है? ब्लैक ने यहाँ किया g6, वाइट ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, e5 नाइट पर अटैक बनाया, तो नाइट टेक्स e5, एफ टेक्स c5, देन नाइट अटैक गोज टू d7, e5 पॉन पर अटैक, तो इसका डिफेंस नाइट f3, तो बिशप g7। तो अब वाइट इस e5 पॉन का डिफेंस कैसे कर सकता है? विग्नियन ने यहाँ पहले किया रुक b1, क्वीन पर अटैक बनाया, और अब ये क्वीन कहाँ जाए? यहाँ ये क्वीन इस a5 स्क्वायर पर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती, अदरवाइज़ उसे यहाँ एक डिस्कवर्ड अटैक की थ्रेट तो रहेगी ही।
तो क्या ब्लैक यहाँ इस क्वीन को c7 स्क्वायर पर लेकर जा सकता है? आइए ज़रा देखते हैं, अगर यहाँ ब्लैक करे क्वीन c7 तो वाइट के पास क्या ऑप्शन होंगे। वाइट यहाँ अपने इस डी पॉन को आगे पुश कर सकता है क्वीन पर अटैक बनाने के लिए, तो ब्लैक यहाँ करेगा e takes d6। लेकिन वाइट इससे पहले फर्दर पॉन ट्रेड ऑफ करे वो यहाँ अपने नाइट को b5 स्क्वायर पर ले जाकर पहले इस क्वीन और फिर उसके बाद इस d6 पॉन पर अटैक बना सकता है। तो क्वीन यहाँ d8 स्क्वायर पर ही जाएगी, लेकिन इसके बाद knight takes d6 चेक और ब्लैक का कैसल चांस यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो विक्टर ने यहाँ अपनी क्वीन को d8 स्क्वायर पर प्लेस किया, लेकिन उसके बाद e6 नाइट पर अटैक। और फ्रेंड्स यहाँ ये e6 मूव काफ़ी क्रिटिकल है, ब्लैक को यहाँ करना पड़ा f takes e6। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ अभी वाइट ने फर्दर पॉन ट्रेड ऑफ नहीं किए, उन्होंने यहाँ किया knight g5 और उनका इरादा इस नाइट से इस e6 पॉन को लेकर क्वीन और बिशप पर फॉक लगाने का है। तो अब ब्लैक यहाँ इसका डिफेंस कैसे करे? सिर्फ एक ही तरीका है जो यहाँ विक्टर ने किया भी था, वो है नाइट को f6 स्क्वायर पर लाकर इस e6 पॉन का अपने बिशप से डिफेंस करना। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ तो ऐसा लगता है कि विग्नयन के पास अभी अटैक्स की कमी नहीं है, उन्होंने यहाँ किया बिशप b5 चेक। और इस चेक का डिफेंस आखिर ब्लैक कैसे करे? अगर वो यहाँ अपने बिशप को बीच में लगाए बिशप d7, तो उसके बाद knight takes e6 क्वीन और बिशप पर फॉक। तो ब्लैक को यहाँ पहले अपनी क्वीन बचनी होगी क्वीन c8, लेकिन इसके बाद knight takes g7 चेक, king f8, bishop takes d7, देन knight takes b7, knight e6 चेक, और इस तरह यहाँ ब्लैक को अपना बिशप गंवाना होगा। और अगर यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक अपने नाइट को बीच में लगाए knight at b goes to d7, तो फिर वही वाइट knight takes e6 करके क्वीन और बिशप पर फॉक लगा देगा। और ब्लैक को अपनी क्वीन बचनी होगी तो क्वीन a5, लेकिन वाइट उस बिशप को लेने से पहले यहाँ करेगा knight a4, इस क्वीन पर अटैक बनाएगा। और इस क्वीन के जाने के लिए क्या कहीं पर कोई स्क्वायर है? तो ब्लैक को यहाँ अपने किंग को ही मूव करना होगा, king f8 d takes e6, और शायद अब कहीं जाकर विक्टर की जान में जाना ही होगी। तो उन्होंने यहाँ किया a6 बिशप पर अटैक बनाया। और आई थिंक फ्रेंड्स वाइट को यहाँ अपने इस बिशप को बचा भी लेना चाहिए था, क्योंकि ठीक है काफ़ी अच्छा अटैक हो चुका है, जितना मैक्सिमम डैमेज गेम की शुरुआत में ओपोनेंट को पहुँचाया जा सकता था वो शायद वाइट ने पहुँचा दिया है। लेकिन विग्नयन ने यहाँ किया bishop e3 और अपने उस बिशप को नहीं बचाया, क्वीन एक्सचेंज ऑफर दिया। और फ्रेंड्स आखिर किन कैलकुलेशंस के सहारे विग्नयन ने यहाँ ऐसा किया? फ्रेंड्स आइए ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ अगर यहाँ ब्लैक क्वीन एक्सचेंज कर ले queen takes d1 चेक, तो उसके बाद ये गेम किस तरह से आगे बढ़ती है? वाइट को यहाँ करना होगा rook takes d1। और फ्रेंड्स अब जाकर यहाँ पिक्चर बिल्कुल क्लियर होती है कि ब्लैक को यहाँ बैक रैंक चेकमेट का खतरा है। तो ब्लैक को अब यहाँ ये बिशप लेना ही होगा a takes b5, लेकिन rook takes d8 चेक, और इस चेक का डिफेंस knight e8। और अब वाइट यहाँ सबसे पहले कैसल करेगा एक चेक के साथ, कैसल्स विद अ चेक, तो इसका डिफेंस bishop f6, लेकिन इसके बाद rook takes e8। और फ्रेंड्स अब आप यहाँ ब्लैक के पीसेस को देखिए, ब्लैक अब यहाँ ना तो अपने इन दोनों रुक्स को मूव कर सकता है, ना ही अपने इन दोनों नाइट्स को, और ऊपर से ये बिशप यहाँ पिन है, तो उसका एक भी पीस यहाँ मूव नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स ये सिचुएशन वाकई में ब्लैक के लिए काफ़ी सोचने वाली है कि यहाँ इस पोजीशन से आखिर ब्लैक को एक क्वीन एक्सचेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ होता तो शायद मैं यहाँ अपनी क्वीन को d6 स्क्वायर पर रखकर इस गेम में आगे के फर्दर मूव्स जानने की कोशिश करता। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो जो मूव्स वाइट चलता वो शायद ये होते। वाइट को यहाँ शायद सबसे पहले अपने इस बिशप को ही बचाना होता। सपोज़ वो यहाँ करे bishop c4, अपने इस e6 पॉन पर डिफेंस करे, तो उसके बाद knight c6, queen takes d6, e takes d6, और इसके बाद वाइट यहाँ कैसल कर सकता है। ठीक है वाइट के पीसेज यहाँ एग्रेसिव स्क्वायर्स पर हैं, ब्लैक अभी भी काफ़ी पैसिव पोजीशन में खेल रहा है, लेकिन ब्लैक यहाँ एटलीस्ट इस पोजीशन से फाइट में तो रहता। लेकिन जब ब्लैक ने यहाँ किया queen a5, तो फ्रेंड्स आप यकीन माने या ना माने, लेकिन ये पोजीशन वाइट के लिए और भी हॉरेबल हो गई। आप यहाँ कह सकते हैं कि ब्लैक ने सबसे पहले तो इस नाइट पर अटैक बना रखा है, और पहले से ही वाइट का बिशप इस पॉन के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स आप ध्यान रखें कि ब्लैक यहाँ अपनी क्वीन को इस d8 स्क्वायर की डिफेंस से नहीं हटा सकता, तो
तो इसी कारण से वाइट ने यहाँ सबसे पहले कैसल किया अपने किंग की सेफ्टी के लिए, ताकि ब्लैक यहाँ उसे कोई अननेसेसरी चेक न दे पाए। और सपोज़ अब अगर यहाँ ब्लैक इस बिशप को ले अब पॉन से a takes b5, तो इस गेम में क्या होगा? वाइट यहाँ सबसे पहले करेगा rook takes b5, क्वीन पर अटैक होगा। और अब ये क्वीन कहाँ जाएगी? इस क्वीन के जाने के लिए जेन्युइन स्क्वायर जो है वो c7 ही होगा। लेकिन वाइट यहाँ करेगा knight d5, वापस क्वीन पर अटैक होगा। और अब ये क्वीन d8 स्क्वायर पर ही ज़्यादा ठीक रहेगी। लेकिन इसके बाद वाइट यहाँ कर सकता है rook takes f6 चेक, अपने रुक को नाइट के बदले में दे सकता है। और अगर ब्लैक इस रुक सेक्रीफाइस या रुक एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर ले, सपोज़ वो यहाँ करे bishop takes f6, तो उसके बाद knight f7, क्वीन और रुक पर फॉक। और ब्लैक को यहाँ पहले अपनी एक क्वीन हटानी होगी। सपोज़ वो यहाँ करेगा qe8, लेकिन इसके बाद bishop h6 चेक, king g8, knight d6, क्वीन पर अटैक होगा। तो bishop d4 चेक, king h1, e takes d6। वाइट यहाँ इस नाइट सेक्रीफाइस को अफोर्ड कर सकता है, और ऊपर से अभी तो ब्लैक का अटैक वाइट के इस रुक पर भी है। लेकिन ब्लैक यहाँ बड़े ही एक अच्छे चेक मेटिंग पैटर्न पर बैठा है। अगर वाइट यहाँ किसी भी तरीके से इस बिशप को एलिमिनेट कर दे, तो वाइट अपने नाइट को f6 स्क्वायर पर ले जाकर ब्लैक को चेकमेट कर देगा। और वही काम यहाँ वाइट करेगा qe4 करके, अपने क्वीन को सेक्रीफाइस करके c takes d4, लेकिन knight f6 चेक एंड मेट। फ्रेंड्स, कई बार कुछ मूव्स काफ़ी सिंपल नज़र आते हैं, लेकिन जब उसके इन डेप्थ हम घुसते हैं तो उनका रूप कुछ और ही निकल कर आता है। तो अब यहाँ ब्लैक को क्या करना चाहिए था? आई थिंक ब्लैक को अपने किंग को g8 स्क्वायर पर ही लेकर चले जाना चाहिए था, और कोशिश करनी चाहिए था कि वो अपने पीसेस को जल्दी से जल्दी बाहर डेवलप कर लें। फ्रेंड्स, यहाँ वाइट के दो पीसेस ब्लैक के अटैक पर है, लेकिन प्रॉब्लम ब्लैक के साथ है कि वो इन दोनों पीसेस में एक को भी टच नहीं कर सकता। तो ब्लैक ने यहाँ किया h6, नाइट पर अटैक बनाया, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि वाइट के तीसरे पीस पर अपना अटैक क्रिएट किया। और इस पर भी विग्नैन की कैलकुलेशंस क्या कहती हैं? उन्होंने यहाँ किया qd3, और अपने ना तो बिशप को बचाया और ना ही दूसरे नाइट को। और यहाँ उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनका टारगेट यहाँ ये g6 पॉन है, और उसके बाद ब्लैक को चेकमेट। सपोज़ अगर यहाँ ब्लैक करे h takes g5, तो उसके बाद qe takes g6, और अगले मूव में f7 स्क्वायर पर चेकमेट है, तो इसका डिफेंस ब्लैक यहाँ कैसे करेगा? वो यहाँ करेगा bishop takes e6। लेकिन इस e6 पॉन को लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वाइट यहाँ करेगा qe8 चेक एंड मेट, क्योंकि ये बिशप अभी खेल के अंदर शामिल है। और सपोज़ अगर यहाँ ब्लैक अपने इस किंग को मूव कर ले पहले g8 स्क्वायर पर, तो उसके बाद qe7 चेक, king h7, bishop d3 चेक, king h6, qe6 चेक एंड मेट। फ्रेंड्स, यहाँ विग्नैन काफ़ी डेडली गेम खेल रहे हैं। विक्टर के पास कोई भी चांस नहीं है इस गेम में बचने का। तो यहाँ ब्लैक को पहले करना पड़ा king g8। उन्होंने यहाँ पहले ही अपने किंग को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। qe takes g6, bishop takes e6, knight takes g6। ब्लैक को यहाँ अपना बिशप एक पॉन के बदले में देना पड़ा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ इस गेम में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ वेरिएशंस को डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ इस पोजीशन से वाइट के पास एक ऑप्शन और है। वो यहाँ अपने रुक को नाइट के बदले में दे सकते हैं। वे यहाँ कर सकते हैं rook takes f6। और अगर ब्लैक इस रुक को लेता है e takes f6, तो उसके बाद qe8 चेक, और इस चेक इनफैक्ट ऑलमोस्ट चेकमेट से बचने के लिए ब्लैक को यहाँ करना होगा bishop f8, लेकिन qe6 चेक, king g7, qf7 चेक एंड मेट। तो क्या यहाँ ब्लैक इस पोजीशन से कुछ और कर सकता है? वो यहाँ कर सकता है knight d7, bishop takes d7। और फ्रेंड्स, अब यहाँ कुछ देर के लिए ब्लैक ने एटलीस्ट चेकमेट को तो रोक ही लिया है। तो ब्लैक को यहाँ ये बिशप a2g8 डायगनल पर ही रखना होगा। तो bishop takes a2, लेकिन वाइट यहाँ कर सकता है bishop e6 चेक, bishop takes e6, rook takes f8 चेक, rook takes f8, qe6 चेक, rook f7, qe7 चेक एंड मेट। फ्रेंड्स, क्या ज़बरदस्त कैलकुलेशन यहाँ विग्नैन ने लगा रखी है। यहाँ ये रुक एक्सचेंज का आइडिया सिर्फ इस बात पर है कि ब्लैक के इस नाइट ने यहाँ इस e8 स्क्वायर को डिफेंड किया हुआ है।
लेकिन वाइट ने यहाँ ये गेम इस तरह से नहीं खेली थी, उन्होंने यहाँ किया था नाइट टेक्स e6 और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट दी। तो इसका डिफेंस आखिर अब ब्लैक कैसे करे? ब्लैक को यहाँ अपने रुक को ही डिफेंस में लगाना होगा, रुक h7। और फ्रेंड्स अभी जिस वेरिएशन को मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था वही यहाँ विगनाइन ने किया। उन्होंने यहाँ इस रुक से ब्लैक के f6 नाइट को लिया, रुक टेक्स f6। अगले मूव में यहाँ डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट, क्योंकि अगर यहाँ ब्लैक करे e takes f6 तो सिंपल क्वीन e8 चेक एंड मेट। ब्लैक ने अगर ये बिशप बीच में लगाया तो फिर दोबारा क्वीन टेक्स f8 चेक एंड मेट। तो ब्लैक ने यहाँ किया नाइट d7 ताकि वाइट की क्वीन इस f8 स्क्वायर पर आ ही ना सके। और अब आखिर वाइट को चाहिए ही क्या, उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स d7। और यहाँ इस मूव के बाद विक्टर ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स अब यहाँ इस गेम को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। यहाँ अभी तक की भी इस गेम में वाइट का कोई भी माइनर मेजर पीस बोर्ड से ऑफ नहीं हुआ है, और वहीं ब्लैक के 3 माइनर पीस इस बोर्ड में है ही नहीं। फ्रेंड्स क्या शानदार अटैकिंग गेम थी। मैं यहाँ इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर दोबारा से आकाश भाई का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी अटैकिंग, इतनी शानदार और एक ऐसी गेम जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते थे उन्होंने हमें इसके बारे में बताया। मैं यहाँ उन्हें एक बार फिर दोबारा से धन्यवाद देना चाहूँगा। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।